नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद हिस्ट्री में। देखिए, जब से वीडियो एग्ज़ाम को फाइनली निरस्त करने का नोटिस जारी हुआ, तभी से काफ़ी सारे स्टूडेंट की क्वेरी है कि क्या सर अब ये एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं इन फ्यूचर, और होगा तो कब होगा, सिलेबस क्या होगा, क्या सारे कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो देखिए, इसमें जो जानकारी निकल के आ रही वो ये है कि जून लास्ट या जुलाई में आपका ये एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। सिलेबस सेम होगा, सारी चीज़ें सेम होंगी। और कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर 13 लाख फॉर्म भरे गए थे, 9 लाख स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम को दिया था, तो किसको एलिजिबल किया जाएगा। दोस्तों, एक मैं रेफरेंस देना चाहूँगा यहाँ पे, 2016 लोअर टू की भर्ती का, ये जब एग्ज़ाम एक बार होने के बाद कैंसिल हुआ था, 2018 में ये जब हुआ था तो फिर से सारे बच्चों का एडमिट कार्ड इशू हुआ था, उसमें हम भी थे, हमारा इंटरव्यू वगैरह हुआ सबका। तो फाइनली ये सारी चीज़ें हुई थी, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि फिर से सारे लोग का एडमिट कार्ड आ सकता है। अब ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है UP SSSC के ऊपर, ठीक है। और जो भी आगामी भर्ती हैं उसकी तैयारी करते रहे, डिले ज़रूर होगा, डिले ज़रूर होगा। देखिए, एक और है रीज़न, ये पता चल गया है, जो ये तीन एग्ज़ाम जो आपके सहायक सांख्यिकी अधिकारी का, आपका बोरिंग टेक्नीशियन का, और ये सारे एग्ज़ाम जो बन्ना छक्का कैंसिल हुआ है, रीज़न ये निकल गया है कि जो वेंडर जो टेंडर इनको दिया गया था वीडियो एग्ज़ाम कराने को, वही टेंडर इन लोग को मिला हुआ था, इस वजह से ही, और संलिप्तता पाए गए हैं इसमें भ्रष्टाचार के, इस वजह से ये तीनों लोग का तीनों एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। फ्यूचर में जल्द ही इसके डेट अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं, ये है कि थोड़े बहुत डिले ज़रूर होगा। तो अपनी तैयारी को बूस्टअप रखिए, और आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और होली के बाद जैसे ही आप वो रिवर्स आते हैं अपने घर से, तो कम्प्लीटली फिर से तैयारी में जुट जाइएगा। पैंडेमिक को ध्यान रखते हुए होली खूब अच्छे से मनाएं, और ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ। जय हिंद, जय भारत।